सभी का स्वागत है आज इस नई क्लास चैप्टर 7 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस हम ख़त्म कर रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों का संरक्षण। स्टार्ट करते हैं, कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है वनों का कटाव, टीक होता सागौन का वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष है, माइग्रेटरी होते हैं स्थानांतरण करने वाले जानवर, पशु, पक्षी, मनुष्य, मतलब जो स्थानांतरण करे ऐसे जीव, माइग्रेटरी माने स्थानांतरणीय है। रिफॉरेस्टेशन माने होता है दोबारा से वन लगाना, वनों का पुनरुत्पादन, रोपण दोबारा से वनों का। पेज नंबर 1 पे है कुछ अच्छी चीजें, कुछ कारण, कुछ तथ्य जो आपकी आपको कुछ सोचने पर विवश करेंगे। वन क्यों काटे जाते हैं, हम वन क्यों काटते हैं? सबसे पहले लकड़ी के लिए वन काटे जाते हैं, लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हो, लकड़ी को फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हो। और दूसरा है आपको जमीन मिल जाए जहाँ पे वन लगे हैं, उस जमीन पे आप अपने घर बना सको, फैक्ट्रीज बना सको। दो कारण होते हैं मुख्यतः वन बनाने के, वन काटने के। क्या क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के रीजन्स? सबसे पहले जमीन मिले आपको ताकि आप घर बनाओ, और दूसरा जो भी वन काट के लकड़ी लकड़ी औषधि मेडिसिनल वैल्यूज के जो प्लांट्स हैं, जो हनी है, जो भी लकड़ी है उसका आप फर्नीचर बनाओगे, फ्यूल के रूप में प्रयोग करोगे। डिफॉरेस्टेशन के ये तो हो गए मैनुअल, बाई मैन जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब कुछ नेचर, बाई नेचर भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, प्रकृति खुद ही अपने वनों को कभी कभी नष्ट कर देती है। जैसे कभी सूखा पड़ गया तो वन नष्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है तो भी वन नष्ट हो जाते हैं। वन जो कट रहे हैं, वनों का जो कटाव हो रहा है, उससे परिणाम क्या होगा हमारे सामने, और अभी हम कुछ झेल भी रहे हैं, परिणाम हैं क्या? परिणाम इंक्रीज टेम्परेचर, वातावरणीय जो तापमान है वह बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है पूरा वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है, लोअर ग्राउंड वाटर लेवल, जो पानी का तल है वो लगातार नीचे जा रहा है, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मिट्टी का नमी धारण करने की क्षमता घट रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जा रही है, मृदा का कटाव हो रहा है, सूखा और बाढ़ हो रहे हैं। देखो दो रीजन है, दो अपोजिट चीज़ें, वनों के कटने से सूखा भी हो रहा है और वनों के कटने से बाढ़ भी आ रही है। होता क्या है कि वन काट रहे हैं तो मानसून कम अट्रैक्ट होते हैं, तो कभी बारिश होगी ही नहीं, ड्रॉट हो जाएगा, और जब भी बारिश होगी तो मिट्टी की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो खत्म हो गई है, तो पानी जो भी गिरेगा मिट्टी के नीचे नहीं जाएगा, ऊपरी ऊपर घूमेगा, नदी में तालाब में हर जगह पानी पानी दिखेगा तो फ्लड आएगी। तो दोनों ही अपोजिट चीज़ें ही डिफॉरेस्टेशन से घटित होती हैं। डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जैसे मैंने बताया कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ कट गए, वो पेड़ ही तो कार्बन डाई CO2 O2 में कन्वर्ट करते हैं, तो वातावरण में CO2 उपस्थित रहेगी, CO2 करती है हीट को ट्रैप, और जैसे ऊष्मा को ट्रैप करेगी, कैद कर लेगी, तो पूरा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ड्रॉट हो जाएगा, और इसी डिफॉरेस्टेशन से बहुत सी जो अच्छी अच्छी उपजाऊ भूमि है वह डिजर्ट बन जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिजर्टिफिकेशन, की उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में तब्दील हो जाना डिजर्टिफिकेशन होता है। अब देखो फ्लोरा फौना होते क्या, फ्लोरा सबसे पहले जान लेते हैं। पेज नंबर 3 में फ्लोरा है किसी स्थान विशेष में रहने वाले पेड़ पौधे। फौना क्या है? किसी स्थान विशेष में रहने वाले जानवर। प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? यहाँ पे पेड़ पौधों जानवरों को संरक्षण किया जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलाउड होती है, जैसे आप वहाँ से घास काट सकते हो, वहाँ पे अपने जानवर चरा सकते हो, लकड़ी ले सकते हो। नेशनल पार्क में जानवर तक कई तरह के वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर कंजर्व्ड इन नेशनल पार्क्स, और ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में ये भी बहुत बड़ा संरक्षित भूमि का क्षेत्र है, जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को संरक्षित किया जाता है, यहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, और जिसमें बहुत तरह तरह के लोग, तरह तरह के जानवर एक ही स्थान विशेष में संरक्षित होते हैं। बायोस्फीयर क्या है? क्या है बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग है जहाँ पे तरह तरह के जानवर एक साथ रहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स का साथ में रहना पृथ्वी पे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है? कई तरह के जानवर, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, पशु, किसी एक ही स्थान में रहने, बायोडाइवर्सिटी है। और आगे जानते हैं कुछ नई चीज़ें। फ्लोरा फौना मैंने समझा दिया है, पेज नंबर 4 पे पहला बिंदु था फ्लोरा एंड फौना का। फ्लोरा क्या है? प्लांट्स किसी स्थान विशेष में रहने वाले, और एनिमल्स किसी स्थान विशेष के फौना कहलाते हैं। एंडेमिक स्पीसीज माने स्थानीय जातियाँ, एंडेमिक स्पीसीज होती हैं प्लांट्स या एनिमल्स की,
जो किसी स्थान विशेष में पाई जाए, जैसे कोरोना है तो पहले एंडेमिक था, केवल जब चाइना में फैला था, फिर WHO ने उसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। पेंडेमिक माने विश्वव्यापी, एंडेमिक माने स्थानीय विशेष। तो एक वर्ड याद रखना वोकैब में, स्पीसीज क्या होती हैं, किसमें जातियां प्रजातियां जो भी कह लो आप हिंदी में इसको, स्पीसीज हैं ऐसी पॉपुलेशन जो केवल अपने अंदर ही ब्रीडिंग करें, केवल बच्चे अपने ही जैसे लोगों के साथ पैदा करें, ठीक है। और वो जो स्पेसी, एक स्पेसी से यदि कोई एक एनिमल है दूसरे स्पेसी के एनिमल के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो स्पेसीज, हर एक स्पेसीज के खुद के गुण होते हैं और एक ही स्पेसीज के अंदर इंटरब्रीडिंग होती है, आप कई स्पेसीज मिलकर इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकती हैं। आगे जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या थी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पेड़ पौधों जानवरों को संरक्षण किया जाता है, बिल्कुल भी किलिंग पोचिंग शिकार नहीं कर सकते, जानवरों को कैद नहीं कर सकते, नहीं तो ये दंडनीय अपराध है ऐसे स्थानों पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक छोटी सी छूट मिलती है हमें, एक रिलैक्सेशन होता है कि आप वहाँ पे अपने जानवर चरा सकते हो, लकड़ी काट सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन उससे जानवरों को वहाँ के रहने वाले पेड़ पौधों को और जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लो आप, नेशनल पार्क ले लो, बायोस्फीयर रिजर्व ले लो, इससे होता क्या है, इससे दो चीज़ें वहाँ के जानवर और पेड़ पौधों को मिलती हैं। वहाँ के जानवरों को एक तो खुद का घर और दूसरा संरक्षण, मुझे अपना घर मिल गया और मुझे प्रोटेक्शन मिल गया सरकार की तरफ से, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूँगा। तो ये दो चीज़ें, दो सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, बायर लाइव स्टॉक कलेक्टिंग, मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड, और ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग कर सकते हैं। कुछ थ्रेटेंड है, कुछ संकटग्रस्त वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड बक, घरियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस, ईटीसी आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैसे कैसे जानवर प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ब्लैक बक हो गया, हिरन कहता है, एक हिरन होता है एक प्रकार का, गोल्डन कैट हो गया, पिंक हेडेड डक हो गया, ये सारे ही जानवर संरक्षित किए जाते हैं। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, और हमारा देश बहुत ही महान है, बहुत ही सुंदर है। हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें बहुत अच्छा भूमि है, धरातल है, बड़े बड़े जंगल हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, जंगल पहाड़ी जंगल, बहुत बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टा हैं। अब एक क्वेश्चन है, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है? जू है एक छोटा सा स्थान जहाँ पर जानवर होते हैं, एक छोटा सा 10 फीट 20 फीट में एक शेर रहने लगता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ही विशाल है, वहाँ पर जानवर खुद की हैबिटेट में नेचर के साथ सभी प्रकार की कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ पे यही है कि एक आर्टिफिशियल घर है, कुछ समय के लिए आप घर बना के बाहर रह रहे हो, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि खुद का घर, बहुत बड़ा घर, और उनका बचपन का घर। रॉक शेल्टर क्या होते हैं? रॉक शेल्टर होते हैं हमारे जो पूर्वज थे, जब वो गुफाओं में रहते थे तो उन्हीं को रॉक शेल्टर कहा जाता है। तो उभरी उभरी चट्टानें जो गुफाएं बनाती हैं, जिनके अंदर आदिम लोग हमारे पूर्वज रहते थे, वो रॉक शेल्टर होती हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर रॉक शेल्टर्स काफ़ी मात्रा में हैं, लगभग 55 रॉक शेल्टर्स हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और इसमें होता क्या है, रॉक शेल्टर में देखो कुछ चित्र भी बनाए गए थे, पेंटिंग बनाई गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, जैसे लड़ने की, हंटिंग की, डांसिंग की, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, इस प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं रॉक शेल्टर सतपुरा में। नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क मैंने बताया कि बहुत बड़ा डाइवर्स एरिया होते हैं, बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए एक ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे जानवरों का, पेड़ पौधों का, अन्य सूक्ष्म जीवों का संरक्षण किया जाता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, वहाँ पे सभी प्रकार का फ्लोरा फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स सभी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क कौन था? सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, याद रखना है हमें। और इसकी विशेषता क्या है, इस जंगल में इंडियन फाइनेस्ट इंडियन टीक, सबसे अच्छी सागौन की लकड़ी प्राप्त होती है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, कब चलाया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोग्राम है वो चालू किया गया था, ताकि जो हमारी घटती हुई बाघों की संख्या उसको मेंटेन किया जा सके, बाघों के प्रति जागरूकता, संरक्षण को एक बल मिले और बाघों को सुरक्षित किया जा सके। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे संकटग्रस्त प्राणी कौन से होते हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही हो, लग रहा है कि भविष्य में खत्म ही हो जाएंगे, तो इनको कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स। पेज नंबर 8, सेकेंड लास्ट पेज है।
चार पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हैं कि नेशनल पार्क्स में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। किस तरह की कंजर्वड एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं? थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, बाकी नेशनल पार्क में तो कुछ भी अलाउड नहीं होता है। और ना तो आप फायरवुड कलेक्ट कर सकते हो, ना ही पोचिंग हंटिंग, ये तो कभी अलाउड ही नहीं होता किसी भी प्रकार के। कंजर्व्ड एरिया में इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी है जिसमें सभी प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य जीव, जैविक घटक, अजैविक घटक साथ में मिलकर रहते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज द क्लाइमेट, सॉयल, रिवर डेल्टा, जीटीसी। रेड डेटा बुक क्या होती है? रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक। रेड डेटा बुक ऐसी बुक है जिसमें सभी प्रकार के जो संकटग्रस्त हैं, जानवर हैं, जो जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जानवर और पेड़ दो कैटेगरी होती है। जानवर को जो भी संकटग्रस्त जानवर हैं और जो भी संकटग्रस्त पेड़ हैं या पौधे हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जाती है। रेड डेटा बुक में दो तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है, एक तो जानवरों की, दूसरा पेड़ पौधों की। किन पेड़ पौधों, किन जानवरों की? जो भी विलुप्त होने की कगार पे हैं, विलुप्त प्राय होने वाले हैं। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रेड डेटा बुक की जो डेटा है उसको अपडेट करता रहता लगातार। और इंडिया भी अपने खुद की रेड डेटा बुक है इंडिया की, जो उसमें सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स, जो ही जितने भी प्लांट्स एनिमल्स विलुप्त प्राय हैं, संकटग्रस्त हैं, जो खत्म होने वाले हैं, जिनकी संख्या लगातार डिमिनिश हो रही है, रेड डेटा बुक में उनको गिना जाता है। रेड डेटा बुक में उनकी जानकारी इकट्ठा की जाती है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? माइग्रेटरी माने स्थानांतरण करने वाले पक्षी। तो ऐसे पक्षी जो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। लास्ट पेज है पेज नंबर 9। हमारे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। इससे होता क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से सभी प्रकार के जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व और कंजर्व किया जाता है, ताकि कोई वन ना काटे। वनों में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित रहे, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को जंगल उपलब्ध हो सकें, और इससे हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें। तो यही था चैप्टर 7 में। मुझे लगता है एक मज़ा आया होगा चैप्टर 7 पढ़ के। चैप्टर 8 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो भी सुझाव हो, जो भी कमियां हो, जो भी खूबियां हों, कृपया बताएं, मुझ तक पहुंचाएं, ताकि चीज़ें आपके लिए और बेहतर बनाई जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।